यार आखिर तुम लोगों का मसला क्या है? मसला मेरा नहीं है, मसला इसका है। इसी को पड़ी थी अपनी अम्मी को बताने की मेरे बारे में। I'm in love, mama. अरे तो टाइम पास थोड़ी कर रहा था तुम्हारे साथ। सच्ची मोहब्बत करता हूँ और शरीफ लड़के ना इसी तरह अपने घर में बताते हैं। हाँ तो तुम मना कर देते? मना कर देते? ऐसे मना कर देता? बहुत आसान है ना मना करना। सारा प्लान ही फेल हो गया और ये इस तरह निकाह करने का आइडिया तुम्हारी मामा का था। अभी तुम्हारी मोहब्बत का आगाज हुआ था और अंजाम भी हो चुका है। ओ भाई, मोहब्बत का अंजाम निकाह होता है। और तुम लोग क्या चाहते हो, तुम्हारा निकाह ना हो? हाँ, क्यों? अरे कैसे समझाएं तुम लोगों को, कोई मसले मसाइल होते, कोई रोक टोक होती। हाँ, और कोई जालिम समाज होता जो हमें मिलने से रोकता, और फिर हम एक दूसरे को मिलने के लिए तरसते, और फिर हम चुप चुप कर मिलते, और फिर उसके बाद हम दरख्तों के इर्द गिर्द भागते और फिर पकड़े जाते। कितना मजा आता। तुम लोग अपने होश में तो हो मेरे भाई, हम आप दोनों की खुशियों में शामिल होने आए थे, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं क्या डिसाइड किया हुआ है। खैर मेरे भाई, आप मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, और आप भी, आप लोग बहुत खुश नसीब हैं, लिहाजा अल्लाह का शुक्र अदा करें और रिश्ते को एक्सेप्ट करें। क्या चाहते हो, वापस चले जाएं? नहीं, तुम लोग सिर्फ हमारे पीछे पीछे दोहराओ। आओ भाई, आओ, आओ। हे अल्लाह, हे अल्लाह, कुछ ऐसा हो जाए कि ये निकाह टल जाए, कुछ ऐसा कर दे कि ये निकाह टल जाए, कोई जालिम समाज आ जाए, कोई जालिम समाज आ जाए, बस कुछ हो जाए। बहुत वक्त गुजर गया अबू, भूल जाए पुरानी बातों को, अब हम नए रिश्तों में बनने जा रहे हैं। तो मैंने कुछ कहा है क्या? बनाओ नए रिश्ते। ऐसा तो मत कहें, माया आपको भी पसंद है, है? नहीं, माया तो मुझे पसंद है, लेकिन उसका जो वो है मोटा नाना, वो जुल्फकार, भाई उसको बुलाने की क्या जरूरत थी? यही तो अबू, आपने इग्नोर करना है बस, घड़ी भर के मेहमान है वो। इग्नोर ही तो कर रहा हूँ खुदा की कसम, वरना मैं, मेरा तो चाहता कि एक मिनट में उसे मैं। प्लीज प्लीज अब्बू, मेरी खातिर, मेरी खातिर प्लीज। अच्छा बस, फिर कान खोल कर सुन लो, उससे कहो कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए और मेरे करीब तो फटके ही ना, वरना। एक मिनट अब्बा, एक मिनट। हाँ अब्बा, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आखिर आपको ऐसा कौन सा जरूरी काम है, कौन सा जरूरी ट्रिप है? आज आपकी नवासी का निकाह है और आप पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, फौरन वापस आए। हाँ अब्बा, अपनी बीवी को ना साथ मत लाइएगा, समझे आप? फसाद ही नहीं हुआ हमारे निकाह में, मजा ही नहीं आ रहा। यार बोर हो रहे हैं तो। कोई बात नहीं, निकाह के बाद एडवेंचर्स कर लेना। यार वैसे ये दुआ कबूल नहीं हुई हमारी। छोड़ यार। अरे म्यूजिक बंद करो, बंद करो म्यूजिक। आपका मसला क्या है? जुल्फकार साहब, आपको ये जेब नहीं देता। अगर आप अपनी उम्र का लिहाज नहीं रख सकते तो कम से कम अपनी नवासी और अपनी बेटी की इज्जत का ख्याल कीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप, भाई खुशी का मौका है, अच्छा तो इंटरटेन कर रहा हूँ सबको। अंकल प्लीज, आज के लिए इतना ही काफी है बस। अरे तुमने मेरा वो खटक दान तो देखा ही नहीं जो तलवार लेके बेकर। हाँ अंकल, वो आराम से देखेंगे, आराम से। अबू, अरे 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 छोड़ दें इसको, जरा सोचें कि जो लड़की वाले होते हैं ना, वो नजर झुका के और निगाहें नीची करके सब्र से बैठते हैं, इज्जत एहतराम से बैठते हैं, आपकी तरह छिछोरपन नहीं करते, तमीज से बैठिए आप।
अच्छा अब आप आए, उन्होंने आपकी बात सुन ली। आए ना, आए आए चले चले आइए आइए आइए। लेट्स रॉक डीजे। अरे कोई बुड्ढे को रोकेगा? नोमान मैं एक मिनट यहाँ नहीं ठहर सकता। उठो नाइल। अरे चलो अब चले, मैं समझाता हूँ ना, अभी समझाता हूँ, आए तो फिर आए बैठ के बात करते हैं ना, बैठे तो सही। ऐसा तंग नजर आती, ऐसी तंग ज़हनियत और तंग पजामा भी। अबू प्लीज, मैं अबू की तरफ से माफी मांगता हूँ, दरअसल हमारी फैमिली में कुछ लोग पुराने ख्याल रखते हैं। ऐसे लोगों से रिश्ता करना ही नहीं चाहिए था, मैं पहले ही मना कर रहा था। नाइल अच्छा लड़का है, आपको भी तो पसंद है। पसंद का क्या है, कभी भी बदल सकती है। मेरी तरफ से आज की तकरीब मंसूख और रिश्ता कैंसिल। नाना जी कैंसिल कैसे, निकाह हुआ है, कोई मजाक थोड़ी हुआ है। हाँ सर, देखो जरा, देखो जरा, देखो, यानी ये निकाह जैसी चीज को खेल समझ रहा है कैंसिल का बच्चा। अब अब्बा अब्बा उनको छोड़े, नायल तो अच्छा लड़का है ना। देखे बाल्टी करो, बाल्टी करो अपने, देखे कितना अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है ना। बैठे क्यों ना अच्छा हो, होता किसका है, अपने दादा पे गया है। अगर ये अपने दादा पे गया तो इसको मैं गोली मार दूंगा वाली में से पहले। देखो देखो, 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 यानी मेरे पोते को धमकी दे रहा है। ये जबानी धमकी नहीं दे रहा, अमलन भी कर सकता हूँ। लाओ मेरी बंदूक। नाना जी माँ रोके ना नाना को। रुक जाए ना पा। अरे नहीं नहीं, रोकने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है इस गुब्बारे में कितनी फूंक है। तुम्हें गुब्बारा कहा? नहीं हाँ हाँ। अबे तुझे कहा है, तुझे गुब्बारा, तेरा नाम है, नाम भी भूल गया। अबू नाइल अपने दादा को समझा लो, वो बात बढ़ा रहे हैं। अरे कैसे रुकूं, बात तो बढ़ चुकी। चलो माया घर चले, इनसे कोई ताल्लुक नहीं हमारा। नहीं नहीं नाना जी, नहीं नाना जी, नहीं नाना जी, मैं हाथ छोड़ दे प्लीज। आप अपनी दुश्मनी की भेंट हमारी मोहब्बत को नहीं चढ़ा सकते नाना जी। नाइल वो मुझे लेके जा रहे। चलो नाइल, मैं एक मिनट यहाँ नहीं ठहरूंगा। आओ नाइल। नाना जी हमारी मोहब्बत को इस तरह बर्बाद मत करो नाना जी। शुक्रिया। अरे अब्बू आज एक मिनट लेट हो गए, खैरियत तो है? बता नहीं। बदतमीज, बेहुदा, नालायक। अब्बू आज नहीं छोड़ूंगा मैं, गोलियों से छलनी कर दूंगा। आप रोके ना उन्हें। अब्बू सुने, यहाँ से नहीं वहाँ जाएंगे। अब्बू बात सुने, गोलियों से छलनी कर दूंगा। अरे 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 अब्बू नहीं छोड़ूंगा। अरे देखो मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए। अरे ऐसे करते गाड़ी साहब। तो कौन कौन अबू? कोई कौन गुब्बारा मोटा। अरे छोड़े ना अबू जी, आप भी ज्यादा करते हो। नहीं अच्छा गन तो छोड़े ना। अरे मेरी बात तो सुने, चले ना नाश्ता करते हैं, नाश्ता करते हैं। चलो खैर नाश्ता तो मैं कर लूंगा, लेकिन याद रखो अरे नहीं छोड़ूंगा इसे। मैं इस बुढ़ाऊ को नहीं छोड़ूंगा, कब्र में पैर लटका बैठा है, क्या वहाँ फरिश्तों को भी कहेगा कि वो हमेशा से ऐसे ही है? हमें झुकना पड़ेगा अब्बा। क्यों क्यों? हम बेटी वाले हैं तो रिश्तेदारी का मामला है। मैं किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। हाँ वो सुना नहीं तुमने, उस रिस्क से मौत अच्छी, मेरा मतलब है कि उस रिश्ते से मौत अच्छी जिस रिश्ते से आती हो मेरे रक्स में कोताही। अब्बा अब नाश्ता तो करने दो। कितने प्यारे फूल हैं। किसने भेजे? नायल ने? पता नहीं, शायद देखती हूँ। क्या लिखा है? चलो चल लिफाफा, चलो चल खिताब, जो होगी मोहब्बत तो मिलेगा जवाब। टू माया फॉरएवर लव फ्रॉम आशिक बिल्डर।
आशिक बिल्डर। आपको देखते ही पहली नजर में मुझे मोहब्बत हो गई। I love you। क्या आप उससे शादी करोगे? मेरे तीन बच्चों की अम्मी बनोगी? लड़की हंसी तो समझो पसी, तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? तुमने अपनी शक्ल देखी है? दिल तोड़ दिया, अब बनूंगा मैं गुंडा। अच्छा ना, गुस्सा छोड़िए, नाश्ता कीजिए। नायल को तो मैंने कुछ नहीं कहा था, उसका चेहरा क्यों उतर गया? मुझे नहीं पता। हाँ, घर से तो वो जॉगिंग का कह के निकला था, लेकिन अभी तक नहीं आया। लेकिन इतनी देर तो उसने कभी नहीं लगाई। जरा फोन करो जी। हेलो, फोन बंद आ रहा है उसका। क्या, कौन, क्या हुआ मेरे बेटे को? नहीं, हाँ हाँ, नुमान। अच्छा ठीक है, क्या हुआ है? अगर ये अपने दादा पे गया तो इसको मैं गोली मार दूंगा वली में से पहले। जी पकड़ लो इसे। ये क्या बदतमीजी है? ले चलो इसे। ये क्या हो रहा है? लेके, इसी ने धमकी दी थी मेरे पोते को गोली मारने की। बेटा मैं तो ऐसा केस बनाऊंगा कि सारी जिंदगी चक्की पीसेगा जेल में। चल चल, ये तड़ी आउट ऑफ फैशन हो चुकी है। क्या? मैं तुम्हें कच्चा चबा के खा जाऊंगा, डकार नहीं लूंगा। देख रहे हैं, धमकी दे रहा है, धमकी, कानून के सामने धमकी दे रहा है। अबू ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या हो रहा है? मेरे बेटे का पता नहीं चल रहा, पता नहीं कहाँ है मेरा बेटा, और ये देखो जरा। बस 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 बस, मेरी बहू के पास जाने की कोशिश मत करना, ये कातिल हाथ कभी किसी को सहारा नहीं दे सकते। खबरदार जो मेरी माँ से ऐसे बात की आपने। यानी आंखें दिखा रही हो मुझको? छोड़ो मेरे नाना को। नहीं, नाना तो नहीं छूट सकता, कभी नहीं छूट सकता। अच्छा मैं भी देखती हूँ कि कौन माई का लाल हाथ लगाता है मेरे नाना को। अच्छा अच्छा, लो देखो कौन हाथ लगाता है। ये देखो मैंने हाथ लगाया। अबू, अंकल, कोई मुझे ले जाए मेरे बेटे के पास प्लीज। मैं लेके जाती हूँ, चलो बेटा। खबरदार जो मेरे बेटे के आस पास में फटकने की कोशिश की। चलो इसके लेके। अरे कहाँ ले जा रहे हो मेरी अम्मा को? चलो ले जाओ, तुम्हारे लेके चलो इसको। बड़ी जोर से लग गई। हाँ तो ठीक है, उसी ने भेजे होंगे आदमी ताकि उस पर इल्जाम ना आ सके। अरे नहीं दादाजी, डाकू तो किसी खातून को लूटने के लिए आए थे। मैंने सोचा कि मैं जाके बचाऊंगा तो हीरो बन जाऊंगा, इतना बड़ा जीरो बना दिया मेरे मुंह पर। अब क्या होगा? वो आपने बहुत जल्दबाजी कर ली है, बहुत बुरा हो गया है। वो माया आई थी मेरा हाल पूछने के लिए। कैसे आती? इन्होंने उसका इस घर में आना मना जो किया हुआ है। व्हाट? दादाजी, सालिम समाज। बस जो मैंने कह दिया उसी पे अमल होगा, दैट्स ऑल। मुझे मेरी माया से दूर मत करें, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। नाना जी, इस उम्र में इतनी ताकत, कौन सी चक्की काटा खाते नाना जी? जाओ यहाँ से वरना गोली मार दूंगा, कह रहा हूँ गोली मार दूंगा। अप्पा, आज ही आप धमकी देने की वजह से थाने से होकर आए, अब दोबारा धमकी दे रहे। अरे हथकड़ी मर्दों का जेवर होती है। और जेवर मर्द पर हराम है नाना जी। लेकिन तुम्हारा और तुम्हारे दादा का खून मुझ पे हलाल है, दफा हो जाओ वरना गोली मार दूंगा। ये दामाद है हमारा, दामाद। अब कोई दामाद नहीं है हमारा, कोई रिश्ता नहीं है। चलो पता हो गया नाना जी, तुम भी अंदर चलो, आ जाओ। अब रो क्यों रही हो? हाँ,
कहते हैं अल्लाह से ख्वाहिश करो तो अच्छी करो, यही चाहते थे ना तुम लोग, झगड़ा फसाद लड़ाई मार कुटाई। ओ माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जल्दी पिक करो। हेलो नाइल। अरे मेरी नहीं, हमारी लॉटरी निकल आई है। तुम्हें याद है थ्रिल वाली मोहब्बत, सस्पेंस वाली शादी, वो वाला ख्वाब हमारा पूरा होने जा रहा है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा नहीं। मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ बस। जैकेट। चश्मा। दादाजी, दादाजी क्या हो गया आपको? अरे आप घर में भूत बनकर क्यों फिर रहे हैं? सिर्फ फिर नहीं रहा, बल्कि ये भूत तुम्हें चिपट गया है, समझे? चलो अंदर, जाओ अंदर, और खबरदार मैं दरवाजा लॉक करके जा रहा हूं, बाहर निकलने की कोशिश मत करना, समझे? दादाजी नहीं नहीं नहीं, दादाजी दादाजी, नानाजी नानाजी प्लीज, नानाजी प्लीज दरवाजा खोले, मैं अनारकली नहीं हूँ। तुम अनारकली नहीं होगी, लेकिन हम मुगले आजम हैं, बखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने उसूलों के गुलाम हैं। माँ, माँ प्लीज अपने अब्बा को देखें प्लीज। अरे अकबर आजम होंगे अपने घर में, मुझे सलीम समझने की गलती ना करें वो। मेरी मोहब्बत को दीवार में चुनवा कर तो देखें। अरे KMC के बुलडोजर चलवा दूंगा, बुलडोजर, जानते नहीं है वो मुझे। अरे मुझे पहले बचाने के लिए तो आ जाओ मेरे सलीम, नाइल। अरे नहीं हो सकता ना यार, ये तो बहुत दादाजी कर रहे हैं। दादाजी दादाजी, नाइल को भूल जाओ लड़की, बस मोहब्बत की कहानी यहीं तक थी। कल रात से अब्बू ने मेरे बेटे को कमरे में बंद करके रखा हुआ है, और अब ये देखिए गार्ड्स। आखिर अब्बू चाह क्या रहे हैं? अपनी नाराजगी और दुश्मनी का गुस्सा हमारे बच्चों पे निकाल रहे हैं, और वो गार्ड्स इसलिए आए हुए हैं कि वो दोनों मिल भी ना सके। या अल्लाह, मेरा बच्चा। माया, तेरी खातिर मैं सब कुछ छोड़ आया। माया 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 माया, आजा 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 आजा, हे माया 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 माया, मैं आया 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 आया। माया माया माया, उतार का वास्ता, आहिस्ता बोलो। आजा 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 आजा, माया 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 माया, मैं आ गया। सुनो, तुम्हारे गार्ड। अरे अपने गार्ड्स को मैंने पहले ही शरबत में नींद की गोलियां डाल के सुला दिया था। You're so intelligent. Thank you, thank you. और हमारा गार्ड? तुम्हारे गार्ड? तुम्हारे गार्ड तो नजर ही नहीं है, पता नहीं कहीं। अरे अरे ये कहां से आ गए? नाइल, 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 तुम्हें निकलना पड़ेगा, उसके पास गन है। अरे गन है तो क्या हुआ? मेरे पास दिल है, दिल, और मोहब्बत करने वाले मर्द ना ये गन्स बन से नहीं डरते। माया, अरे रैम्बो की औलाद तुम मर्द नहीं हो, मतलब तुम लड़के हो, और तुम्हें तो गन से डरना पड़ेगा ना। अरे यार माया, अंडरएस्टिमेट नहीं करती अगर टच। नीचे नीचे गोली मार दूंगा मैं, नीचे आ जा, आ रहा हूं आराम से।
नीचे आता आराम से राम से। प्लीज इसको मारना मत, मेरे पास ये एक ही है। आशिक को नहीं मारते, आशिक से इश्क करते। मैं सीढ़ी टूटी तुझ पे गिरूंगा। अरे चाइना के अभिनंदन, तुझे तो भेज दिया, तू वापस आ गया। गन इज फैंटास्टिक। तुम लोग गार्ड हो या हल्की आंच पे भुने हुए चने? पर हम कैसे करा रहे हो ये? गन नीचे कर ये। अरे ये क्या है, प्लास्टिक की गन? टू क्लास में हो तुम, इससे क्या रबर की गोलियों से मारोगे चोरों को? नौकरी से निकलवा दूंगा, बता रहा हूँ। अभी अभी जाके नाना जी को बताया ना, यही से घर जाओगे। कौन सी कंपनी तुम्हारी है? क्या सीढ़ी उठाओ, रखो रखो अभी जगह पे। सीढ़ी उठा भाई, अभी नंदन सीढ़ी उठा उठा, चलो चलो चलो। ये पकड़ो अपनी माया, मैं फिर आया। बाय। दादाजी ये घाट सके आपने? अरे हर वक्त सोते रहते हैं ये सोतू राम। अरे उठो। अरे जो सोता है वो खोता है भाई, जो जागता है वो पाता है। बताए इनको, तुम्हें सोने के लिए रखा है मैंने। मैं तो कह रहा हूँ निकाल दे इनको नौकरी से, निकाल दे। शरबत पियो और पी के सो जाओ कमबख्त। नजर रखने के लिए रखा था मैंने इस पे। अच्छा ठीक है, तुमसे मैं बाद में निमटता हूँ। कमबख्त हो, जरा इसको देखूं मैं कहाँ गया। रुक जाओ लड़की, आज जल्दी काम खत्म करके जा रही हो? जी भाई, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लिया है, वो बच्चों को खाना भी देना है ना। ठीक है, कल सुबह जल्दी आ जाना। माया क्या होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। पता नहीं, मुझे तो तुमसे ऐसे मिलके छुप छुप कर बहुत मजा आ रहा है। छुप छुप कर मिलने में तो मुझे भी मजा आ रहा है, लेकिन पता है दादाजी पाकू 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 दादाजी अरे ये खुर्शीद साहब है दादाजी के दोस्त। तू ऐसे चुप चुप के क्यों मिल रहे हैं? मुझे क्या पता। ये मेरे पोते का फोटो है, ये माशाल्लाह बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा खूबसूरत जवान है, देखो है? तो इसके लिए मुझे रिश्ता दरकार है। आपके पोते का तो निकाह हो गया था ना? हाँ हो गया था, मगर यूं समझो कि खत्म हो गया। खत्म? हाँ। सामान पकड़ो मेरा। कहाँ हुआ खत्म, कैसे हुआ खत्म? कोई नहीं हुआ खत्म, बल्कि जो खत्म करने वाला है वो खुद खत्म हो जाए। तुम? जी मैं। कौन है बदतमीज लड़की? शमशेर खान। ये बदतमीज लड़की नहीं है खुर्शीद साहब, ये इनके होनहार इकलौते पोते की बीवी। नायल मैंने तुम्हें मना किया था कि फजूल लड़की नहीं है ये दादाजी, ये आपके पोते की मोहब्बत है, मेरा प्यार है, मेरी बीवी है, इसे तमीज से बात कीजिए। जी तो सुन लिया आप लोगों ने? कमबख्त, मनहूस। और हाँ याद रखना, तुम्हारे नाना से तो मैं बात करूंगा। शर्म नहीं आई शिमला बोलते हुए? शिमला? नाना जी शिमला क्या होता है, मैं तो सिर्फ शिमला मिर्च को जानती हूँ। अरे नाना जी कितनी मासूम नवासी है आपकी, शिमला पहाड़ी भी तो है माया। ओ हाँ राइट। मेरी नवासी का नाम अगर तुम्हारी जबान पे आया तो जबान खुद ही से खींच लूंगा मैं। नाना जी, नाना जी, माया का नाम मेरे दिल पर लिखा है, मेरे हाथों की लकीरों में लिखा है। ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? और निका नामे पर भी? हाँ निका नामे पर भी। नाइल क्या है ये सब? ये मोहब्बत है बाबा,
सच्ची मोहब्बत ऐसी की तैसी ऐसी मोहब्बत की। नाना जी आप हमारी मोहब्बत की तौहीन नहीं कर सकते। और क्या कर रहा है इतनी देर से ये? अब आप लोग तो मत शुरू हो जाएं। और तुम दोनों, तुम लोगों को पता था ना कि हालात पहले ही बेहतर नहीं है। तुम दोनों को जरूरत क्या थी घर से निकलने की? और क्या क्या जरूरत थी तुम्हें सड़कों पे यूं तमाशा लगाने की? शर्म नहीं आती? फिर जिसको आई शर्म उसके फूटे करम। और शर्म कैसी शर्म है? अरे निकाह हुआ है मेरा, उसके साथ बीवी है वो मेरी। अरे लानत भेजता हूँ मैं ऐसी बीवी पे। आखिर ये भी तो किसी की बीवी है नाज़िम। किसी की क्यों अबू, मेरी अपनी जाती। हाँ लेकिन तूने देखा कभी अपने बाप को कि ये नाज़िम के साथ डुएट कर रहा? वो आपने कभी कुछ करने नहीं दिया वरना अरमान तो बहुत थे। क्यों नाज़िश वो? अच्छा बस भाई बहुत हो गई, ये कोई अरमान निकालने का वक्त नहीं है। इस मसले का बस एक ही हल है। क्या? इन दोनों की जल्द रुखसती कर दी जाए। कभी नहीं, ये शादी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ये शादी मेरी लाश पर से गुजर के होगी। दादाजी दादाजी नहीं दादाजी प्लीज ऐसा मत कहे दादाजी प्लीज। और मैं आपको इस उम्र में खो नहीं सकता दादाजी, मुझे इस मुश्किल में मत डाले दादाजी प्लीज। अबे माया से भी अच्छी तेरे लिए मैंने दुल्हन तलाश कर ली है। क्या तुम क्या ढूंढोगे? नहीं मेरी माया को इस लंगूर से मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये दोनों को मारना चाहते मेरे पास। सुनो मेरी बात, मैंने फैसला कर लिया। क्या? अब हम भाग कर शादी करेंगे। छोटा सा घर बसाएंगे पहाड़ों में, एक समंदर अच्छा सा घर होगा हमारा, सितारों से आगे जहाँ और भी है माया। अरे छोड़ो इसका माया, जाने दो जाने दो, हमारे घर में आके बदतमीजी करते हैं। Run from home. Enter. तुम क्या सोच रहे हो? माँ ने तो कह दिया कि घर से भाग जाते हैं, मगर नाइल मुझे समझ नहीं आ रहा हम भागेंगे कैसे? क्या मतलब? मतलब ये कि कोई होमवर्क होता है, कोई इंफॉर्मेशन होती है, मैंने सारी वेबसाइट देखी है, कोई टेक्निक नहीं है घर से भागने की। घर से भागने की इंफॉर्मेशन तुम्हें इंटरनेट पर मिलेगी क्या? ऐसी इंफॉर्मेशन नेट पर नहीं होती, भागना अच्छी बात नहीं है ना। तो फिर हम क्यों घर से भाग रहे हैं? अरे हम भाग थोड़ी रहे हैं, हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की। एक मियां अगर अपनी बीवी को लेकर भागे तो कोई गुनाह नहीं होता माया। ठीक कह रहे हो, और मुझे भी माँ ने कहा है, वरना मैं तो घर से भागने का सोच भी नहीं सकती। बस फिर डन डन, आज रात ठीक 12 बजे मैं तुम्हें लेने आऊंगा, सारी तैयारियां करके रखना। डन। ये की गोली चली तेरी गोली क्यों चल गई है? जाओ ना जाके चेक करो। नीचे उतर। अरे नाना जी क्या करूं माया क्या करूं? अरे तुम देख लो ना, खुद ही तो कह रहे हो कि 12 बजे निकलना है। अरे कहां से पीछे से निकल जाता हूं, पीछे से निकल जाता हूं। दौड़ो पकड़ो इसे, गोली मार देना इसे देखते ही। नहीं मैं आ रहा हूं, यही सारा नाना जी आ रहा हूं। गोली मत चलाना नाना, गोली मत चलाना। नीचे उतर, आज मैं तुम्हें गोलियों से छलनी करके रख दूंगा। कप कपे हाथों से गोली चल गई, मैं तो आया रहा ये तू। अच्छा हुआ वक्त पे आ गए तुम। शमशेर खान आज अपने पोते को आखिरी बार जिंदा देखना चाहती हो तो देख लो। दादाजी बचा ले मुझे दादाजी। अबे अगर मेरे पोते की तरफ नजर उठा के देखा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। अबे अपने घर में तो DOG भी शेर होता है। आज पता चल जाएगा कि कौन DOG है और कौन T-Safe टाइगर है। अबे तेरी इन्हीं बातों से कसम खुदा की मेरे दिल में तेरे लिए नफरत पैदा हो गई है।
अबे तू छिछोड़ रहा है। अल्लाह ला 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 ला, क्या कह दिया, क्या कह दिया नाना जी आपको, छिछोड़ रहा। हां छिछोड़ रहा मतलब समझते हैं आप, छोड़ा चीप इंडिसेंट। अबे हां हां तू नहीं बदलेगा। मैं क्यों बदलूं, मैं तुम्हारी तरह मुनाफिक नहीं हूं। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले इंसान। दादाजी दादाजी मुनाफिक कह दिया आपको, मुनाफिक क्रिकेट मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब कि दोगला, अ मैन विद अ टू फेस, मुंह पर कुछ पीठ पर कुछ। हैं आ मैं तुझे बताता हूँ, आ जा दादाजी, कम ऑन दादाजी, कम ऑन कम ऑन, जोर लगा के दादाजी, जोर लगा के दादाजी, जोर लगा के। बहुत मिस करूंगा मामा आपको, बहुत याद आएंगे आप। सो गए अब्बा, बड़ी मुश्किल से सो गए। अरे तो फिर वेट किस चीज का है, चलो। बेटी मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से रुखसती करनी पड़ेगी। चलो ये रख लो बेटा। माँ ये क्या है, ये तुम लोगों की अमानत है। नहीं आंटी नहीं बेटा। अच्छा चले आप इतने इंसिस्ट करके रख लेता हूँ। माया का ख्याल रखना। आंटी आप भी फिक्र हो जाए, अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखूंगा मैं माया का। सुनो जाएंगे कैसे? अरे राइड बुक किए ना, अभी थोड़ी देर में आता होगा कैप्टन। राइड बुक किए? हाँ। इसको बोलेंगे क्या कि कहाँ जाना है? अरे बोल देंगे कि 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 नहीं 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 आंटी नहीं नहीं नहीं, मैं नाना जी की बीवी लेके तो नहीं जाऊंगा। अरे हीरो चाबी पकड़ो चलो। और अब्बा अपनी बीवी की जुदाई अब बर्दाश्त कर लेंगे, उन्हें करनी पड़ेगी। चलो जाओ जाओ मेरे बच्चे। अरे चाबी तो दो। चलो 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 थोड़े नहीं बहुत ज्यादा, मुझे तो बाबा आदम के जमाने के। और ये गाड़ी में देखो कितना सामान भरा हुआ है, कहीं लोडर तो नहीं है तुम्हारे नाना? लोडर? हाँ मतलब गाड़ी को अलमारी बना के रखा हुआ भाई। ओ राइट लोडर। होम स्वीट होम। आ जाओ आ जाओ। ये बहुत सुनसान जगह है। हाँ तो क्या हुआ, आज रात हम यहीं रुकेंगे। मगर कैसे? अरे तुमने कहानियों में नहीं सुना, शहजादे का घोड़ा जहाँ रुकता है शहजादा वही कयाम करता है। नाइल तुम शहजादे हो? नाइल तुम कहीं दरख्तों में घर बनाने का तो नहीं सोच रहे? क्योंकि माना कि मैं बहुत नाजुक हूँ लेकिन घोंसलों में मैं तब भी नहीं रह सकती। अरे तुम पागल हो क्या, तुम्हें मैं घोंसलों में रखूंगा? पगली इन दरख्तों की लकड़ियों को हम तोड़ कर लाएंगे, उनसे यहाँ हम एक छोटा सा आशियाना बनाएंगे और उस आशियाने में हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ये! लेकिन उसके लिए तो हमें टूल्स चाहिए होंगे। हाँ। आरी हथौड़ी कील, तुम कुछ लाई हो? तो फिर मेरे पास तो कुछ नहीं है। अच्छा यार फिल्मों में तो दिखाते हैं कि हीरो अपने घर से निकलता है और पता नहीं कहाँ से एंड में उसके पास सारी चीजें होती हैं। हाँ ना क्या करें। सुनो ये बीवी कब काम आएगी? बीवी तुम? आओ अरे नाना जी की बीवी। चलो इसमें होगा कुछ ना कुछ, आओ देखते हैं।
अरे वेट यार वेट, हर काम जोर से नहीं होता, ये देखो प्यार से, प्यार से। और ये आखिरी भी हाँ, हो गया सारा काम। माया, इससे बनाएंगे हम अपना बेडरूम और ये किचन। नाइल, मेरी हमेशा से ऐसे बेडरूम की ख्वाहिश थी। दिस इज सो क्यूट। थैंक यू। दिल कर रहा है कि वक्त यहीं रुक जाए और हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाए। हाँ तो गुजर जाएगी, क्या मसला है? वाकई? हाँ ना, अरे हम अपनी मोहब्बत से इस खंडर को जन्नत बनाएंगे। मैं करूंगा खेती बाड़ी, तुम करना मेरा इंतजार। वैसे वैसे नाइल, अगर इस जगह का कोई मालिक हुआ, क्या वो हमें ये सब करने की इजाजत देगा? अरे हम हैं ना इसके मालिक, मिस्टर मालिक, मिसेस मालिक। और वैसे भी माया, इस खंडर का कौन बेवकूफ मालिक होगा? हमारी मोहब्बत का छोटा सा आशियाना। आयशा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उन दोनों को भगा के कोई गलती की हो? नहीं नहीं, शायद हाँ हमसे गलती हो गई। ये हमने क्या किया? आखिर वो कहाँ जाएंगे? माया! हाँ? इधर आओ। ये देखो हमारे घर का नया वो होम स्वीट होम, सो स्वीट। थैंक यू। अरे कौन हो तुम लोग और यहाँ कैसे आए? चल गए। भाई तुम दोनों कौन हो? क्या मतलब है कि हम दोनों कौन है? नाइल, ये हमारा इलाका है, तुम दोनों निकलो यहाँ से। तुमने कह दिया तुम्हारा इलाका और हो गया तुम्हारा? कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ, कोई अलॉटमेंट लेटर दिखाओ। हाँ बात सुनो भाई, हमारे धंधे में ना डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जबान होती है जबान। धंधा? कौन सा धंधा? अल्लाह के नाम पे मांगते हैं, शुक्र है पूरा हो जाता है। अरे माया कुछ भी नहीं, मैं तो तुम दोनों की शक्लें देखते ही समझ गया था कि तुम दोनों हो ही कोई खानदानी किस्म के भिखारी। भिखारी? ओ भिखारी, हमारे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए, माफ करो। ए, माफी नहीं चाहिए हमें? यार ये आजकल के फकीर भी ना, ये लो पकड़ो, चलो 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 अलग अलग कर्म करेगा, जाओ चलो शाम। ए बात सुनो, ये जगह खाली करो और निकलो यहाँ से, ये जगह हमें अपने फकीरों के लिए अलॉट की गई है। नाइल बात करो ना, गो बी अ मैन। यार मेरी शादी हुई है, प्राइवेसी डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? देख ले कुछ ले दे के काम कर लेते हैं, हैं 500 रुपए पे डन करें। 500 रुपए? उससे तू क्या क्या नहीं कर सकता है। तुझे अपनी फकीरी का वास्ता, मान जा है, ठीक है डन। पहले मेरी शिकायत दर्ज होगी। मेरी डबल शिकायत है इसलिए पहले हक मेरा बनता है। पहले मेरी। आप दोनों की एक साथ दर्ज कर लेता हूँ, खाने में बदमनी फैलाने के जुर्म में। सर थाने में बदमनी फैलाने के जुर्म में। पहले आप बोले। जनाब इसका ना हंजार पोता मेरी नवासी और मेरी गाड़ी दोनों को ले उड़ा। आप अपनी नवासी की बाजियाबी चाहते हैं या गाड़ी की? दोनों की जनाब। मुझे सिर्फ मेरा पोता चाहिए, बात। ये फरमाइश तो आपको अपनी बहू से करनी चाहिए, मतलब ये कि इंस्पेक्टर साहब।
बहुत दांत निकल रहे हैं, सुना नहीं तुमने? जवान लड़की के बाप को एक आंख खोल के सोना चाहिए। जनाब ये हुक्म बाप के लिए है, जबकि मैं लड़की का नाना हूँ, समझे सरकार? नाना 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 मैक्रोनी साबुन साबुन नहीं, तुझे ब्लीच ला के दूंगा तू उससे नहा। ब्लीच बाल्टी 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 हाँ, फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है यहाँ। लोटा 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 2 मिनट वाले नूडल चिकन फ्लेवर। जाड़ू जाड़ू तुम इग्नोर करो यार, इनको इग्नोर करो, इनकी तरफ देखो ही मत। शक्लें तो देखो। मत देखो मत देखो, जस्ट कारी 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 मिनरल वाटर मंजन काला वाला मंजन। ना तुम्हें तमीज नहीं है जरा सी भी? है एक मियां बीवी बैठ के इतना जरूरी काम कर रहे हैं, बीच में बोले चले जा रहे हो। एक तो खरीब ऊपर से ब्लडी बदतमीज। आइता कौन है भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? ओए ये तेरे साथ ही है। ओए हम तुम्हें गलीज सड़ेले भिखारियों के जैसे लगते हैं। साहब जी मुझे तो दाल में कुछ काला ही लगता है, घर से भाग कर आए हैं ये दोनों। ओए शरीफ घर की लड़की को भगा के लाया तू? हे अफसर होगा तू अपने घर का, एक मुक्का मारूंगा ना मुंह को नॉर्दर्न बाईपास बना दूंगा। तमीज से बात करो। बीवी है मेरी, निकाह हुआ है हमारा। लाइन तो बहुत अच्छी देते हो। आइए बीवी की नंबर प्लेट, सबूत, निकाहनामा है? है हाँ है। टेक अ साइड। मिल गया सबूत? हाँ तो ये किस पे चढ़ानी है भाई? अरे चढ़ाने वाली नहीं है ये, मेरी माया के निकाह का दुपट्टा है। पकड़ 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 पकड़। देख क्या क्या लिखा? देख लो तसल्ली कर लो, टेक योर टाइम। नाइल की दुल्हन। हाँ तुम दोनों में से दुल्हन कौन है? ओ नाइल नाइल। हाँ शक्ल मिल रही है? लग तो रहा है। ऐसा है कि सबूत काफी नहीं है। Exactly, कॉफी नहीं है यार, कॉफी तो लिखी ही नहीं हमने। कॉफी अमेरिकानो, दूध 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 दूध, चीनी चीनी चीनी। हाँ कैपेचिनो। अबे चुप, चले यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ भाई बता यहाँ क्या कर रहा है भाई तू? ये बहुत लंबी कहानी है। हाँ कितनी लंबी कहानी? बैठे सुनाता हूँ। एक बात बताए, लड़की घर से निकलते वक्त आपके पैर छू के गई थी? मतलब मुझे माफ कर दें, मैं मोहब्बत के हाथों बहुत मजबूर हूँ, फिल्मों में देखा है लड़कियां पेश की इजाजत लेके जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैंने भी देखा, सही कह रहे हैं। जनाब अगर पैर छूने आती तो मैं गर्दन से दबोच के बिठा ना लेता, वो तो मुझे बगैर बताए बेहोश करके निकल गई। लिखना लड़की बेअदब है, बुजुर्गों का एहतराम नहीं करती, कम से कम पैर छू के तो जाना चाहिए था। सही कह रहे हैं। आप ये बताइए कि आपको लड़के की किसी हरकत से शक हुआ कि वो भागने वाला है? अरे अगर मुझे शक पड़ता तो मैं उसको बांध न देता साले को। साला एक मिनट, अभी तो आप कह रहे थे कि वो आपका पोता है, अब आप उसके बहनों ही बन गए। बराए मेहरबानी क्लियर कीजिए, आप लोग इन्फॉर्मेशन सही देते नहीं है और बदनाम पुलिस होती है। बिल्कुल सही कह रहे। अरे भाई मैं गुस्से में साला कह रहा हूँ। अच्छा लिखना दादा पोते को गुस्से में साला कहता है। ठीक है सर। क्या बकवास थाना है ये? यही तो हम कहते हैं, क्या बकवास थाना है। याद रखें मैं ऊपर तक जाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। इसमें ऐलान करने वाली कौन सी बात है, एक ना एक दिन तो सपने। जनाब आप FIR लिखें। आप FIR लिखें। FIR लिखें। FIR लिखें। FIR लिखें। ठीक है ये थी हमारी कहानी। आयशा नहीं माया, भाई की सेटिंग। आप लोगों की लव स्टोरी सुन के ना कुछ अपना सा याद आ गया। वो क्या है ना कि हम सरकार के नौकर हैं और ये जमीन है सरकारी, आप लोग यहाँ ऐसे कब्जा करके नहीं रह सकते।
लेकिन ऑफिसर, मैं वापस उस जालिम समाज में नहीं जाना चाहती। देखिए भाई को मेरे साथ केडी ऑफिस चलना पड़ेगा, तो कुछ पेपर्स पे साइन वाइन करके कुछ किया जा सकता है। क्यों, फिल्मों में तो ऐसा नहीं होता? फिल्मों में तो साथ में कुछ ऐसा भी नहीं होता, रूल इज रूल। रहने दो माया, मैं अपनी मोहब्बत की दुनिया गैर कानूनी तरीके से नहीं बसाऊंगा। नाइल, तुम कितने कानून पसंद हो। हाँ, थैंक यू। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर यही कुछ निपट जाता तो चक्कर बच जाता। कैमरे की आंख हमें देख रही है, हमें चलना चाहिए। कैमरे की आंख? हाँ, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अनाइल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सुनो एक सेकेंड, ग्रोसरी लिस्ट। मैं चलो ना, ये ब्रेक का वेट कर रहे हो है? चलो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अबे इधर को ले, ये हमारे इलाके में किसने गाड़ी खड़ी कर दी? रोक 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 में रोक रोक में रोकता क्यों नहीं है तू? गुस्सा दिला रहा मेरे को। अबे किसकी है यार? अबे ओ फकीर, इधर आइयो बे। बताता हूँ, चल बे नीचे उतारो मेरे को। अरे यार माइकल थोड़ा आगे हो। ये लिया। हाँ बे, मैंने मना किया था ना, इस जगह पे मेरी नजर है। तेरी जुर्रत कैसे हुई यार कब्जा करने की? और ये क्या, होम स्वीट होम का बोर्ड भी लगा लिया तूने? गाड़ी भी खरीद ली, सारी सेटिंग कर लिया तूने? क्या छोटे छोटे बच्चे पैदा करने का इरादा तेरा यहाँ पे? झंडिया भी लगाई है, तेरे मामू की बरात है या तेरे अब्बा का वलीमा? इतनी तैयारी कर ली तूने अचानक? अब बेटा बनेगी तुम लोगों यहाँ पे कब्र, लिखा जाएगा साइट ऑफिस लव बर्ड्स हाउसिंग सोसाइटी आशिक बिल्डर एंड डेवलपर। समझा? नहीं नहीं, मेरी सरकार को छोड़ दो, हमारा कोई कसूर नहीं है। ये सब ना वो अमीर गरीब है ना, उनका फैलाया हुआ बखेड़ा है। कहाँ चली गई? मैं झूठ बोल लेंगे, मुझे तो लगता है ये जूतों की मार ही समझेंगे। तो फिर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अपना भी फिर है कसूर है। जैसी जो जबान समझता है हम वही जबान बोलते हैं, क्या समझे? अब फिर रेख क्या रहे हो, मारो। तेरी वजह से मेरा शोहर फंस गया, कहाँ बैठी है मुंह छुपा के? क्या हुआ है भाई? हम तो मजबूर हैं अपने उसूलों के लिए, जो जैसी जबान बोलेगा हम वही बोलेंगे। ओह माय गॉड, यानी कि बिल्लियों के सामने म्याऊं म्याऊं करते हो और मुर्गों के सामने कुकड़ू कू? कौन बोला? तुम? आप? अस्सलाम वालेकुम। यकीन आ गया, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो माशूक खुद चल के आशिक के पास आ जाता है। ये मेरा इलाका है जाने मन, एंड यू आर वेलकम। खबरदार, जो मुझे हाथ भी लगाया तो। ठीक है, नहीं लगाऊंगा, डराओ तो मत, खुद ही जाके गाड़ी में बैठ जाओ। नहीं बैठूंगी। अबे शकुरन के लड़को, अपनी भाभी को चारों तरफ से घेर लो और बगैर हाथ लगाए गाड़ी में बिठा दो। जाओ शाबाश जाओ। दूर दूर, करीब नहीं आना कोई, चलो। ये खुलता क्यों नहीं है? शाबाश, हट जा बे कोबरा। बैठ गई है जी आप? चलो भाई उस्ताद डबल है। माया, ले आ गया। देखो मैं आया, माया
कहाँ माया? कहाँ छुप गई माया? नहीं है वो। नहीं है? क्या मतलब नहीं है? ए! क्या किया तुम लोगों ने मेरी माया के साथ? सच सच बताओ, पता। हमने कुछ नहीं किया है। वो आशिक बिल्डर है ना, हाँ, वो उठा कर ले गया है। आशिक बिल्डर, मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं किसी और के साथ कमिटेड हूँ। हाँ जानता हूँ मैं, लेकिन मैं अपने इस दिल का क्या करूँ जिसने पहली नजर में तुम्हें देखा और बेकाबू हो गया। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, वो भी तुम्हारे दिल की। प्लीज मेरी लैला, मान जाओ, मेरी मोहब्बत को मत ठुकराओ। मेरे ख्वाबों में सिर्फ और सिर्फ तुम बसी हो। सदियों से मेरे दिल को सिर्फ तुम्हारी तलाश है। क्या तुम 100 साल के लगते तो नहीं हो? देखो अगर तुम मुझे ना मिली ना, मैं मर जाऊंगा। मर जाओगे? मर जाओगे? तो फिर मरो। अरे ये क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? अरे पकड़ो इसे, कहाँ भाग रही है? अबे मुझे तो कोई उतारो यार, इतनी ऊंची छलांग में कैसे लगाओ? आगे पकड़ो। यस आगे बढ़ेगा मनुष्य। अबे थक गई तू, चल चल भाग भाग। थानेदार का है, थानेदार का है, थानेदार साहब, थानेदार साहब, थानेदार साहब, वो आशिक मेरी माया को उठाकर ले गए। आप चले, हम उसे बता देंगे कि कानून में कितनी ताकत है, कानून के बाजू कितने सख्त हैं। चले चले आप मेरे साथ। यही है वो शख्स जिसने मेरी गाड़ी, मेरा मतलब है मेरी नवासी को अगवा किया। अरे नाना जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई नाना जी नहीं, कहाँ है मेरी नवासी? नाना जी यही तो बता रहा हूँ आपको, हुआ ये कि मुझे बताओ, मैं हूँ थानेदार। सर हुआ ये, मैं और माया एक दूसरे की रजामंदी के साथ घर से भागे, उसके बाद झूठ बोल रहा है। इसने मेरी नवासी को वर्कला के अगवा किया, अब मासूम पर ना यहाँ पर बंद करे ऐसे सलाखों के पीछे। मेरी बात तो सुने। डालो लगा, मैं अब मैं शमशीर खान को बताऊंगा कि कैसे मैंने उसके पोते को सलाखों के पीछे बंद करवाया। लेकिन ये तो खुद चल के आया सर जी। जी मैं यही तो कह रहा हूँ सर, सर प्लीज प्लीज मेरी मदद करें, मेरी जान बहुत खतरे में है सर, प्लीज। जान तो वाकई हमारी भी बहुत मुश्किल में है। सर मैं अपनी जान माया की बात कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, सर मेरी बात सुने, मेरी बात सुने सर, एक सेकंड मेरी बात सुने। अरे वो मेरी माया को तकलीफ पहुंचाएगा सर, सर प्लीज सर, आपको आपकी पूंछों की कसम सर, आपको आपकी वर्दी का वास्ता सर, हमें दिखा रहे कानून में कितनी ताकत है सर, सर। अरे 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 थानेदार साहब, थानेदार साहब ऐसा जुल्म मत करे थानेदार साहब, वो आशिक बिल्डर मेरी माया को नुकसान ना पहुंचाते थानेदार साहब। अरे खोले खोले इसको, और क्या करूं। मैं तुम लोग के हाथ नहीं आऊंगी। ओए ओए इतना नहीं भगाओ, रुक जा। दूर से कीले, इतना दूर तो हूं माया, भूल गई मेरी मोहब्बत? तुम्हारी मोहब्बत में भूली हूँ कि नहीं, लेकिन लगता है कि तुम अपना चेहरा भूल गए हो जिसमें मुक्के मार मार के मैंने सुझा दिया था। अभी तक सूझा हुआ है, कहाँ भूला हूँ? तेरा हर जुल्म याद है, भूला तो नहीं हूँ। उसके आगे कुछ मत कहना, क्योंकि मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया है। इतना घमंड अपनी खूबसूरती पे ठीक नहीं है माया, हम भी कोई कम हसीन नहीं है। अगर यकीन ना आए तो हमारी अम्मी से पूछ लो, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना सीख लो, जो पहाड़ झुकते नहीं है उनको सर किया जाता है। तुम भूल रहे हो, उस पहाड़ पे नाई के नाम का झंडा लग चुका है। कोई बात नहीं, हम अपने नाम का झंडा लगाएंगे, 3 कलर वाला। समझ नहीं आ रहा तुम्हें, मेरा निकाह हो चुका है। नहीं। हाँ। कोई बात नहीं, निकाह टूटने में देर कितनी लगती है जानू? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें, सुनाई नहीं दे रहा, मैं नाई की बीवी हूँ। रिलैक्स हो जाओ, कुछ मंगाऊं खाने के लिए आपके लिए? पिज्जा मंगा लूं आपके लिए? आजकल की बच्चियां पिज्जा बहुत शौक से खाती है। सिर्फ पिज्जा नहीं, चाइनीज और बिरयानी भी। अम्मी सदके जाए, माशाल्लाह खुराक तो हम दोनों की बिल्कुल सेम है। टोनी शकुरन के लड़के, अरे चचा सीनियर सिटीजन, जाओ ऑर्डर सुन लिया, फटाफट ले जाओ, शाबाश।
पता नहीं दोनों बच्चों ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। हैं? यानी कमाल है, ये वो मेरे पोते के खिलाफ FIR दर्ज करा रहा है और तुम यहाँ उसके घर में इससे चोटे लड़ा रही हो। अबू प्लीज ऐसा लहजा इस्तेमाल मत करें। तुम लहजे की बात कर रहे हो, अब तो ये ऑल फॉल बकेगा, गालियां देगा गालियां। खुदा ना करे। इसलिए कि इसके पोते को मैं सलाखों के पीछे बंद करवा के आया हूँ जेल के। लो मिठाई खाओ। जेल? जेल? खुशी की बात तो ये है माशाल्लाह कि आपने फिल्मी हीरोइनों की तरह भूख हड़ताल नहीं की, खाने पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। गुड, आपकी इसी अकलमंदी पे तो फिदा है आपका आशिक। खाना तो मुझे था ही ताकि मेरी एनर्जी बहाल रह सके। गुड। और ताकि मैं भाग सकूं। अबे भागो। अब कहाँ जाओगी? शाबाश। अबे देख क्या रहे हो, पकड़ो। अबे पकड़ के बांध दो उसको। बेटा छुट्टी कर, छुट्टी कर तू आज। छोड़ो, मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे। अरे छोड़। इजी इजी हो जाए, अब आपको बांध दिया है, अब इन बंदे हुए हाथों के अंगूठे से अब निका नामे पे अंगूठा लगवाएंगे। अपने पैर से लगाऊंगी मैं अंगूठा। मुझे कोई एतराज नहीं है, बस निका होना चाहिए। मैं कह रही हूँ छोड़ो छोड़ो मुझे। ओ मेरा सामान आ गया। म्यूजिक बनके मेरा परवाना आएगा अकबर खाना। ये कितनी बुरी परफॉर्मेंस देता है। चल नाइल, नाइल। माया, माया मैं आया। मजा आ गया, बिल्कुल एंजॉय। माया, नाइल, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? इसे जल्दी से खोलो। नाइल, तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। किसकी मौत किसको कहाँ खींच कर लाई है ये तो वक्त ही बताएगा। हुई अदाश आया तू गया। लड़ेगा मुझसे? ये देख सिंगल पैक, कम ऑन। पुलिस 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 कहाँ है? पुलिस पकड़ लिया। फेंको इसे नाइल जल्दी। नीटिंग चीजें करते हो। एवरीथिंग इज देयर इन लव एंड बॉस एंड दिस। हम तो प्यार में कर रहे हैं भाई, हमारा तो प्यार है। थैंक यू भाईजान, गुजारिश ये है कि इन लड़कों को मैंने 2000 रोजाना पे रखा हुआ है, अब देखो कैसे पड़े हुए, कितनी हडरामी है ये। अगर आपकी इजाजत हो तो बुला लूं इनको। थैंक यू। अबे उठ जाओ, तुम्हारे बॉस पे हमला हुआ है, उठो उठो उठ जा बे, साइज जीरो हो गया। चलेगा जाओ अटैक।
सोशल डिस्टेंसिंग करो यार। फारे के टकलों पे बदमाशी करता हूँ। ओ भाई मेरे पास पैसे खर्च नहीं करूँ, खुद ही लड़ू। इनको किसने रखा मैंने? ए, पैसे है तो नहाते क्यों नहीं हो? नहीं नहाने का शौक नहीं हमें। चलो बंद दो इन सबको। पीछे हट। अब आएगा मजा, विलन आ चुका है। नाहिल ये हम कहाँ फंस गए हैं? तुम फिक्र मत करो, एक दफा बस ये रस्सी खुल जाए फिर तुम देखना मैं इस ड्रम का क्या करता हूँ। मुझसे तो खुल ही नहीं रही है। सुनो तुम्हें पता है कहते हैं कि निकाह के बोल में इतनी ताकत होती है कि हर मुश्किल आसान हो जाती है। अच्छा निकाह के बोल तो तुमने भी पढ़े थे, फिर तुम्हारी रस्सी क्यों नहीं खुली है? पता नहीं, अब दुनिया के कोई भी बोल इसे बचा नहीं सकते। खबरदार खबरदार जो नाइल को हाथ भी लगाया तो क्या चुम्मी दे के भाग जाऊं? लगता है बहुत प्यार करते हो तुम इससे, इसकी जिंदगी के कुछ पल बढ़ सकते हैं अगर तुम अपने पैर चलाओ। नहीं 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 नहीं, नाइल नाइल रक्स रस्सी के साथ भी हो सकता है। माया नहीं माया, इन गुंडों के सामने मत नाचना मत नाचना। अब ठीक है मैं नहीं नाचती हूँ, वैसे भी कोई क्लास होती है कोई ऑडियंस होती है। छी माया प्लीज, मैं नाराज हो जाऊंगा अगर तुम नहीं नाची तो। ब्लॉक कर दूंगा व्हाट्सएप पे, प्लीज थोड़ा सा नाच लो। ये होती है बात। चलो नहीं चलो तुम लोग जरा इसकी ट्यूनिंग करो और माया को मेरे साथ लेके आओ। बोलो माया साहब, इंस्पेक्टर साहब मेरा पोता कहाँ है? जी जनाब इनका पोता कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब मेरा बेटा कहाँ है? प्लीज मुझे मिलवा दीजिए, मेरी आंखें तरस गई अपने बेटे को देखने के लिए। अब कानून इतना भी बेदर्द नहीं है कि एक माँ को तरसाए। वो रही बोर्ड पर आपके बेटे की तस्वीर, अच्छी तरह देख ले। मेरा बेटा, मेरा बेटा माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ना। नहीं खैर इतनी अच्छी तस्वीर नहीं है, वैसे बेहतर हो सकती थी। डॉक्टर साहब मेरे बेटे की तस्वीर यहाँ? इश्तहारियों की तस्वीर उसी बोर्ड पे लगती है। इश्तहारी? जी हाँ इश्तहारी, आपका पोता जेल तोड़ के भाग गया। भाग गया? भाग गया? भाग गया? भाग गया? भाग गया? अबे ये क्या हो रहा है? मन करो म्यूजिक। तुम्हारी अम्मी शकुरन को पता चल गया ना फिर खामखा मुझे डांटेंगी वो कि बच्चों को किस काम पे लगा दिया। अबे बंद करो म्यूजिक, तुम लोगों की भाभी जाग जाएगी यार, बंद करो। आईता सोना बाबू अभी तक छोड़ रहा है, उच्ची उच्ची निनिया निनिया हो गई है, सुबह हो गई है जानो। ए स्माइल चेक करें, तुझे क्या लग रहा था कि मैंने चूड़ियां पहन रखी हैं? अरे पकड़ो।
भाई 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 मुझे बचाओ, ये आदमी पागल है। एक मिनट, इधर आओ। क्या हुआ? मंगेतर है भाई, वो मेरी। एक मिनट, दूर निकल जाएगी। मंगेतर होती ना तो ऐसे भागती नहीं है। इधर आओ। अबे हम लोग पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं यार। कुछ नहीं हो रहा यार, ये शरीर तो इतने शक्ल के गुंडे लग रहे हैं। ये सब कुछ आप दोनों की झूठी अना की वजह से हुआ है, और अब कुछ करना है वो मैं खुद ही करूंगा। जाइए, आपका भगोड़ा, मेरा मतलब है पोता, मिल गया है जी। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? निकलो यहां से। अरे मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से। मुझे अपने घर में आने की इजाजत क्यों लूंगी भाई मैं? अच्छा, और ये तुम्हारा कमरा कब से हो गया? ओ, ये कमरा हमारा था और हमारा ही रहेगा। नाइल ना दे के गया मुझे। नाइल आया था यहाँ पे? हाँ, हट्टा कट्टा अपने दादा के साथ। तेरा पूछा तो कोई जवाब ही नहीं दिया। वो कहने लगा सारा सामान रख लो भाई, अब जरूरत नहीं है उसे। जरूरत नहीं है? देखना अपना हाल, इधर लड़के होते हैं ना वक्त गुजारी करते हैं, शादी वादी नहीं करता कोई। हाँ, और वैसे भी घर से भागी हुई लड़कियां जो है ना लौट कर वापस घर नहीं जाती। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें नई दुनिया की सैर कराते हैं। जी फकीर साहब, कहाँ है मेरा पोता? पोता ले आओ भाई, पोता ले आओ। दादाजी दादाजी, ये बेटा क्या चोटें कैसे लगी तुझे? दादाजी मेरी चोटें वो आशिक बिल्डर माया को लेके। दादाजी हमें माया को वापस लाना होगा हमें उसे। अच्छा, तुम फिक्र न करो बेटा, हम माया को भी बाजियाब करा लेंगे और तुम्हारे एक एक जख्म का हिसाब लूंगा मैं उस बिल्डर से। तुम फिक्र न करो, पॉपकॉर्न मंगा लो, फिल्म लंबी हो रही है सर जी। आओ बेटा। एक मिनट, आपका पोता हवाला तोड़ के भागा था, फिलहाल घर जा रहा है, बाकी मसाइल बाद में देख लेंगे। बेटे आप घर जाओ। चलो बेटा आओ, आओ मेरा बच्चा, चलो। शाबाश। सबसे पहले मेरी नवासी को बाजियाब करने के लिए आप मुख्तलिफ टीमें बनाएं, फौरी तौर पे पता लगाएं कि मेरी नवासी कहाँ है, उसे बाजियाब कराना आपका काम है। ओके सर। आखिर कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा कि मेरी माया कहाँ है मेरी माया कहाँ? ये सब हमारी वजह से हुआ है, जो सजा चाहे आप हमें दे लें। नहीं, ये मेरी वजह से हुआ है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। हम कौन होते हैं सजा देने वाले? हम तो खुद ना जाने किन गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं।
अब्बा जान मैं अपनी बेटी आपसे लूंगी अब्बा जान, मुझे नहीं पता आप मेरी बेटी मुझे ला कर दे अब्बा जान, अभी के अभी, वरना मतलब अबू वो आशिक बिल्डर पुलिस की हिरासत में, मगर उसका सच साबित हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, मैं हूं आपकी मेजबान, हम आपको बताते चलेंगे इस वक्त हम मौजूद हैं कराची का मशहूर इलाका के लिए जन्नत बन गया है, पुलिस वालों ने लड़कियों को बरामद कर लिया है और हम मौजूद हैं उन्हीं लड़कियों के साथ, तफसीलात जानने के लिए हम चलते हैं उन्हीं लड़कियों के पास। आप कुछ कहना चाहेंगी? आप कुछ कहना चाहेंगी? आप कब से इस पेशे में? मैं इन लड़कियों के जैसी नहीं हूँ और मुझे तो पता भी नहीं है कि इलाका कौन सा है। ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। नाइल, नाइल मुझे प्लीज वापस ले जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। चले ना अब्बा जान, चले माया का पता करने, चले ना। माया कहाँ है? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? अरे गर्लफ्रेंड नहीं है वो, मेरी बीवी है, मोहब्बत करता हूं मैं उससे, हमारा निकाह हुआ है, भूल गए आप? 15 लाख रुपीज, हक महर, सिक्के, राजुल वक्त, बहू है वो इस घर की। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं बाबा? उस लड़की का ना इस घर से कोई ताल्लुक है और ना तुमसे, भूल जाओ उसे। पापा मैं मानता हूँ मैंने आपको बचपन में बहुत तंग किया, मैंने आपको बहुत तकलीफें दी, लेकिन उस सबकी सजा आप मुझे अपने नाइल उठो, मैंने तुम्हारी हर जिद हमेशा मानी है, यहाँ तक कि अपने बाप से भी लड़ गया, लेकिन मैं इस खानदान पे कोई धब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकता। 4 दिन वो लड़की घर से बाहर रह के आई है, पता नहीं उसके बाबा, आप उसके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। प्यार है वो मेरा, मोहब्बत है, भरोसा है मुझे उस पर, आई ट्रस्ट, लेकिन मुझे नहीं है। आपको भरोसा नहीं? कूल, मुझे तो है, इसलिए मैं जा रहा हूं माया के पास। बाय। एक कदम भी तुमने इस घर से बाहर निकाला तो भूल जाना कि हमसे तुम्हारा कोई रिश्ता है। बाबा ये मेरा आखिरी फैसला है, अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। माया मेरे नाजिश बात कर लेगी उससे। मैं क्या हुआ, डर गई, ख्वाब आया कोई? नाइल मुझे लेने नहीं आया, अंकल भी नहीं आए। बेटे दरअसल वो, अरे मगर क्या, खुल के तो बताएं, मैं नाइल से खुद पूछती हूँ। नहीं बेटा तुम नहीं जा सकती वहां पे, इसे सच बता दो नाज़िश। ये सच सह नहीं पाएगी अब्बा। सह नहीं पाएगी? हाँ बेटा, वो नाइल ने कहा है कि वो ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहता जो वहां से होकर आई। नाइल ऐसा बोल ही नहीं सकता, वो ऐसा बोल ही नहीं सकता, वो तो मुझे खुद वहां से छोड़कर आ गया था। सुकून से बैठी हो, कुछ ख्याल है कि बेटा किस हाल में? नुमान प्लीज आप अपने फैसले पर थोड़ा सा तो गौर करें, नाइल नहीं रह सकता अब मीना के बगैर। कोई किसी के बगैर मरता नहीं है नाज़िश, ये 2-4 दिन का बुखार है, खुद ही उतर जाएगा, तुम उसे उसके हाल पे छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें, शादी की है दोनों ने और रिश्ते मजाक नहीं होते। तुम्हारा दिल पत्थर हो सकता है लेकिन मैं अपने बच्चों को इस हाल में नहीं देख सकता। ये आप कह रहे हैं? क्या क्या नहीं किया आपने रिश्ते को तोड़ने के लिए, तब आपको ख्याल नहीं आया कि रिश्ते मजाक नहीं होते? जो कुछ भी हुआ है इसके जिम्मेदार आप भी हैं, आपकी वजह से हुआ है। तो मेरी गलतियों की सजा मेरे बच्चों को क्यों दे रहे हो तुम? ये गलत है नुमान, ये गलत है, इसमें उन दोनों का कोई कसूर नहीं है।
वो मुश्किल में फंस गई थी। इसी मुश्किल में वो दो चार दिन घर से बाहर रही है। I'm sorry अबू, लेकिन मैं आपकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आके अपना फैसला नहीं बदल सकता। नायल और माया की शादी अब कभी नहीं होगी, बल्कि मैं पेपर्स बनवा के इनका कागजी रिश्ता भी खत्म करवा रहा हूँ। इसका मतलब है तलाक नौमी? नौमान! मुझे एक बात बताओ, नाजिश क्या कह रही थी, क्या फैसला हुआ? बर्बाद हो गई मेरी बेटी अब्बा, तबाह हो गई। उसकी हालत नहीं देख पा रही हूँ मैं, कमरे में बंद है, दो दिन से कुछ नहीं खाया, बिल्कुल गुमसुम, बात भी नहीं कर रही, मैं क्या करूँ? तुम फिक्र ना करो, मैं उसे समझाऊंगा। की हालत भी बहुत खराब है, अपने आप को कमरे में बंद करके बैठा हुआ है, निकल ही नहीं रहा, और अब्बू समझ रहे हैं कि ये सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है। शर्मिंदगी की वजह से उनकी भी हालत खराब है। हाँ, शर्मिंदा तो इधर भी अब्बा जान बहुत हैं, लेकिन अब उनकी शर्मिंदगी दोनों की खुशियां तो वापस नहीं ला सकती ना। माया बेटा, ऐसे क्यों बैठी हो यहाँ? नाना जान, क्या हुआ? आप बिल्कुल ठीक कहते थे, और वक्त ने साबित भी कर दिया, नायल एक अच्छा इंसान नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। बेटे, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है, तुम्हें जीना है, मरने की जरूरत नहीं है। कसूर सारा मेरा है, सारा कसूर मेरा है, मरना तो मुझे चाहिए, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ? खुदकुशी करने। अरे अरे नाना, वो रुके रुके, आपको मैं मरने नहीं दूंगी नाना जान, नहीं। सारी लाइमलाइट आप खा लेंगे। नहीं नहीं, रुके, अरे सीढ़ी लेकर आओ। अरे सीढ़ी लेकर आओ, खुदा के लिए अब्बा जान खिड़की से कूद रहे हैं, सीढ़ी लेकर आओ। क्या? अरे 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 नाना जी कूद रहे, अरे नाना जी कूद रहे, पकड़ो। मुझे नहीं जीना, अंदर आओ, मैं कह रही हूँ। अरे लग जाएगी, पीछे से आओ, पीछे से। अरे नाना जी, एक तो लाइफ में बेहतरीन चीज है, ऊपर से आओ। अरे गिर जाएंगे, चोट लगेगी। मैं जीना नहीं चाह रहा, मैं नाना जी। नाइल जल्दी आओ, अरे जल्दी से सीढ़ी लगाओ, ऊपर आओ। अरे जल्दी सीढ़ी लगाओ, ऊपर आओ। नाइल
मैं जीना नहीं चाह रहा, मैं जीना नहीं चाह रहा, आ रहा हूँ, जीना नहीं चाह रहा, मुझे मरना चाहिए। नहीं नाना जी, नाना जी, नहीं, नहीं नाना जी, नहीं, आपको मरने नहीं दूँगा नाना जी, नाना जी, नहीं नाना जी, नहीं, आप कर नहीं सकते नाना जी, नहीं नाना जी। मैं तो माफी मांगने आया था, देखा तो नाना जी, नाना जी आप, अरे आप कोई बच्चे हैं जो इस तरह खुदकुशी करने जा रहे थे? खुदकुशी की मौत हराम मौत होती है, दोजख में सड़ते आप। पता है कि खुदकुशी हराम है, लेकिन लोगों को दुख पहुंचाना, उनके रिश्ते खराब करना, ये भी तो हराम है। बस यही जुर्म मुझसे सरजद हुआ है। ठीक कह रहे हैं आप, जो कुछ हुआ ना आप लोगों की वजह से हुआ है। तो मोहब्बत करने वाले दिल जुदा होके रह गए, उस पर से आप मसला हल करने के बजाय खुदकुशी करने चले थे। आपके मरने से मेरी बेटी की खुशियां वापस तो नहीं आ सकती ना अब्बा। बस कर दो नाना जान, दूसरों की गलती का इल्जाम खुद सर पे क्यों ले रहे हैं? ऐसा तो मत कहो माया। तो बस कर दो, बस कर दो। जब एतबार ही नहीं रहा तो फिर सफाई देने का भी कोई फायदा नहीं। आई मेरा हाथ। माया, माया एक सेकंड से तो मेरी बात सुन लो। पता है एक्चुअली सुन, मैं तुम्हारा फैसला सुन चुकी हूँ, जब भी साइन करना हो मुझे बता देना। अरे नहीं साइन करना, प्लीज प्लीज। एक बार फिर सोच लो बेटा। अबू मैंने बहुत सोच के फैसला किया और अब मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकता। कि बाबा, माया के बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। माया किसी ऑक्सीजन का नाम नहीं है कि तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। चलो साइन करो। लेकिन इसके अंदर क्या है? तुम दोनों की जिंदगी का फैसला। नहीं, मैं साइन नहीं कर पाऊंगा बाबा। चलो अच्छा अच्छा नहीं 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 अरे अरे इसमें तो नहीं, तुम इस पर साइन नहीं करोगे। मैं देखता हूँ कैसे ये तुम्हें मजबूर करता है। तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। हम दोनों तुम्हारे ऊपर ये जुल्म नहीं होने देंगे, दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। अरे मेरी बात तो सुनिए। बात होती है उनके चोर तो हद हो गई। मेरे मुंह पे सब कह रहे हैं कि मैं जालिम हूँ, और नाजिश तुम भी। मेरे बेटे की खुशियाँ छीन ली आपने, और मैं आपको जालिम भी ना कहूँ। इसे सबक कहते हैं, जो मैं इन दोनों को और इन दोनों को सिखाना चाहता था। आप लोगों ने रिश्तों को खेल तमाशा बना लिया था, जिसे आप अपनी झूठी अना की भेंट चढ़ाना चाहते थे। पुरानी दुश्मनी नए रिश्तों को खत्म करके निभाना चाहते थे, बिना जाने के रिश्तों की अहमियत क्या है। और तुम दोनों को क्या लगा कि घर से भागने में एडवेंचर है, सारे मसलों का हल है? नहीं बेटा, जिंदगी कोई 3 घंटे की फिल्म नहीं जिसमें एंड में सब कुछ ठीक हो जाए। 1.5 घंटे की टेलीफिल्म। तो नौमान ये सब क्या था? इन सबको सिखाने के लिए ये ड्रामा जरूरी था। आप ठीक कह रहे हैं नौमान भाई, ये सब कुफरान नेमत की सजा है। ये लोग निकाह पे राजी नहीं थे, जो कुछ भी हुआ ना अल्लाह की तरफ से हुआ। हमने तो सबक सिखाने के लिए कुछ नहीं किया,
नाशुक्री की सजा मिली है कि दर बदर की ठोकरें खाई इन्होंने। बदगुमानियां, बदनामियां, जुदाइयां, सब कुछ बर्दाश्त किया। मतलब रह क्या गया पीछे? इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया आप दोनों ने। ऐसे होते हैं बुजुर्ग क्या? खानदान के सरबरा जो अजियत हमने और हमारे बच्चों ने झेली है। दुनिया क्या क्या बातें कर रही होगी। लड़की पता नहीं कहां गई, कहां से होके आई। कौन सी दुनिया आंटी? मुझे अपनी माया पे आंख बंद कर भरोसा है। मेरे लिए मेरी माया आज भी सीप से निकला हुआ मोती है। और अगर किसी ने इसके बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा ना, मैं ज़ुबान खींच लूंगा उसकी। नाइल। और हाँ, आप लोगों को मैं बताता चलूं कि इसमें तलाक के कोई पेपर नहीं है। अरे कब से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, सुनते ही नहीं है आप लोग। इसमें है दुबई के टिकट। जगता हूँ तेरे इश्क में ही जलता हूँ। जो तू प्यार से वेख ले तो ये दुनिया छोड़ दूँ मैं। मेरी रूह में तू बसा है, हर सोच में तू सजा है। जो तू प्यार से देख ले तो ये दुनिया छोड़ दूँ। रब्बा वे की करा सोनिए सुन जरा, तेरे इश्क दे नशे विच मन लगया। रंगया रंगया तेरे इश्क दे मन विच, रंगया रंगया तेरे इश्क दे मन विच, रंगया रंगया तेरे।